हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में, जहां मैं आज आपसे बात करने वाला हूं COPD यानी कि कार्डिया क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में। तो गाइस, यहां पर एक्चुअल में इसकी जो है, मैं मतलब जो इतना बड़ा वीडियो इसका नहीं बना सकता, तो मैं यहाँ पे आपको इसको फटाफट समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसके नोट्स पहले से बना रखे हैं अपने पास में। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसको एक ही वीडियो में समझाऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाए, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा कि यहाँ पर आपको अजीब सा लगे, क्योंकि यहाँ पर मैं इतने टाइम से लिखवा रहा हूँ और आपको डायरेक्टली यहाँ समझा रहा हूँ। बट यहाँ पे एक्चुअल के अंदर मैं क्या करूँगा, इसके पूरे पॉइंट्स को क्या करूँगा, इसी में आपको समझा दूंगा। तो सी क्रोनिक एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और पल्मोनरी एम्फाइसिमा, इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे टू टाइप्स की डिजीज भी साथ में देखी जाती है। टू टाइप्स की भी क्या देखी जाती है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखी जाती है। किस कौन कौन सी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड पल्मोनरी एम्फाइसिमा। ब्रोंकाइटिस यहाँ पे टू टाइप्स की होती है, एक्यूट एंड क्रोनिक। तो यहाँ पे मेनली क्रोनिक देखी जाती है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो दोनों है, ए पेयर ऑफ टू कॉमन को एग्जिस्टिंग डिजीज ऑफ द लंग्स। यहाँ पे इन दोनों का यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंस होता है। कौन कौन सी होती है, देखिए, एयरवे बिकम नेरोड, भाई एयरवे होती है नेरो हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, लीड्स लिमिटेशन ऑफ द एयर एंड लंग कोजिंग एंड द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ। तो यहाँ पे ये इन दोनों को क्या करेगी, कोज करेगी, भाई यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, लीड्स लिमिटेशन ऑफ, बोल सकूँ तो लीड्स लिमिटेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये आपको आई थिंक सही लगे। तो देखिए, COPD इज क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज क्यों है, क्योंकि नॉट एक्यूट एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी इसमें एक्यूट एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है यहाँ पे, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो गया या फिर ब्रोंक्योलाइटिस हो गया, और अस्थमा अटैक टाइप का इसके अंदर नहीं आएगा। मतलब अस्थमा की जैसे ही होता है, बट उससे ज्यादा थोड़ा सा सीरियस होता है। नॉट कंप्लीटली रिवर्सिबल, रिवर्सिबल कंप्लीटली नहीं है, थोड़ा सा रिवर्सिबल हो सकता है अस्थमा के अंदर। लेकिन अगर हम अस्थमा की बात करें ना, तो अस्थमा के अंदर यहाँ पे क्या होगा, रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, और ये क्या होता है, यूजली प्रोग्रेसिव होता है, मतलब प्रोग्रेस में ही रहता है। अगर इसका टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं करने को मिले, तो ये बहुत ज्यादा फैल जाता है। सी यहाँ पर क्या है, टू नॉक्सियस पार्टिकल्स एंड गैसेस। यहाँ पे ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो नॉक्सियस पार्टिकल्स एंड गैसेज होते हैं, जब हम इनहेल कर लेते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, तो उसके कारण यहाँ पे देखने को मिलती है। द एयर फ्लो लिमिटेशंस, आई वॉज टोल्ड यू दैट इट विल लीड्स लिमिटेशन ऑफ शॉर्टनेस एंड ब्रीथ, इट मीन्स एयर फ्लो लिमिटेशंस एंड एबनॉर्मल इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स ऑफ द लंग्स। ठीक है भाई, वहां पे अगर बहुत सारे, अगर इतने सारे अगर वहां पे डिजीजेस हो चुकी है, वहां पे कंप्लीटली इन्फेक्शन हो चुके हैं, इसमें इट मींस एब नॉर्मल इन्फ्लामेशन चलेंगे। अब यहाँ पे जो ये तो एक नॉर्मल चीज थी जो कि मैंने ऐसे लिख ली, इसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। नाउ सी, अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की। तो देखिये, क्रोनिक जो ब्रोंकाइटिस है, एक्चुअल के अंदर क्या हो रहा है, परसिस्ट कफ एंड स्पूटम प्रोडक्शन फॉर एटलीस्ट 3 मंथ इन एटलीस्ट 3 consecutive ईयर्स। मतलब यहाँ पे क्या होता है, या फिर कंस्ट्रक्टिव ईयर्स, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, एटलीस्ट 3 मंथ तक यहाँ पे, आप सिर्फ इसको याद रखिएगा, एटलीस्ट 3 मंथ इसको याद रखिएगा, यहाँ पे एटलीस्ट 3 मंथ तक क्या करता है, कफ एंड स्पूटम प्रोडक्शन करता है। एयर फ्लो, इसमें जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है इसमें क्या होगा, एयर फ्लो एडिमा हो जाएगा, सब म्यूकोजल ग्लैंड हाइपरप्लेसिया हो जाएगा, और म्यूकस प्लगिंग एंड एयरवे फिब्रोसिस हो जाएगा। बात ध्यान रखिएगा, म्यूकस प्लगिंग होगा और एयरवे फिब्रोसिस होगा, क्योंकि इसी वीडियो में मैं भी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे इसी वीडियो में बात करने वाला हूँ अभी आगे। तो इसका याद, इसको नोट कर लीजिए, म्यूकस प्लगिंग एंड एयरवे फिब्रोसिस। देन इट सिनोनिम्स, देखिए इसको किस किस नाम से जानते हैं, COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COLD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, COAD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, CAL क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशंस एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज। अब देखिए, मैंने यहाँ पे गोले क्यों लगा रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड चेंज हो रहा है, पल्मोनरी बोल दो, लंग बोल दो, एयरवे बोल दो, या फिर रेस्पिरेटरी बोल दो, सेम है, बस यहाँ पे एक चीज आपको जोड़नी पड़ेगी, क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशंस। तो मतलब अगर हम इन चारों में से किसी की भी बात करें, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं किसकी, COPD की। डन, देखिए COPD में क्या होता है, लेस एयर फ्लो इन एंड आउट ऑफ द एयरवे,
ओके भाई, वहां पे अगर म्यूकस के प्लगइन्स बन गए तो वहां पे एयर फ्लो ही नहीं हो पा रही है, लेस एयर फ्लो होगी। एंड प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल लंग, प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल लंग्स डिजीज विद सिग्निफिकेंट एक्स्ट्रा पल्मोनरी इफेक्ट। बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी इफेक्ट के थ्रू, मतलब एक ऐसी डिजीज जिसमें एक्स्ट्रा पल्मोनरी इफेक्ट लगाना पड़ेगा अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को या फिर अपनी बॉडी को। नाउ सी देयर सीओपीडी। अब यहाँ पे सीओपीडी के कुछ बातें भी तो है कि एक्चुअल में होता क्या है। तो एयरवे एंड एयर सैक्स लूज देयर इलास्टिक क्वालिटी। एयरवे और जो एयर सैक्स होते हैं वहां पे इलास्टिक अपनी क्वालिटीज को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। द वॉल्स बिटवीन एयर सैक्स विल बी डिस्ट्रॉयड, द वॉल्स ऑफ द एयरवेज विल बिकम थिक एंड इन्फ्लेमेटेड। द वॉल्स ऑफ एयर सैक्स एंड द वॉल्स ऑफ एयरवेज, दोनों में डिफरेंट पॉइंट्स है। एयरवे मतलब आ गया जैसे ट्रैकिया आ गया, ब्रोंकियोल्स आ गया, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स आ गया, उसे जस्ट पहले प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स आ गए, सेगमेंटल ब्रोंकियोल्स हो गए, तो ये सब क्या हो गए, एयरवेज हो गए। एयर सैक्स क्या हो गया, द लास्ट द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद में इसका जो पार्ट आता है ना एलुलाई, वो होता है वहां पे, होता है ना जो एक स्पेस बनता है उसको बोलते हैं एयर सैक्स, वो क्या होता है डिस्ट्रॉयड, खत्म हो जाता है। और एयरवे मेक्स मिच एयरवे मेक्स मच मोर म्यूकस विच टेंड्स टू क्लोक देम। वहां पे क्या करेगा एक्चुअल के अंदर, वो उनको वहां पे क्लोक कर देगा। क्लोक का मतलब है कि वहां पे आपस में बांध देगा, उनको जकड़ देगा एक तरीके से। लंग्स विद सीओपीडी हैव टू टाइप्स ऑफ कंडीशंस, ब्रोंकियोल्स एंड एलुलाइज। इफ यू टॉक अबाउट इन ब्रोंकियोल्स, दे हैव लूज देयर शेप ओके एंड बिकम क्लोज क्लोक्ड विद म्यूकस। क्लोक्ड का मतलब होता है थक्का बनना, थक्का मतलब बनना मतलब वहां पे प्लग बन जाएगा उसका, एक प्लग जो होता है कि मतलब आगे एयर फ्लो नहीं होने देगा। तो बिकम क्लोक्ड विद म्यूकस एंड एलुलाई वॉल्स विद डिस्ट्रॉयड मेक फ्यूअर लॉन्गर एलुलाई। मतलब कुछ ही एक, मतलब उनके जब वॉल्स डिस्ट्रॉय जाएगी तो सारी सारी एलुलाई आपस में मिल जाएगी। भाई देखिए ना, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, इस तरीके से कर रहा हूँ, और इनकी मैं अगर इस वाली वॉल्स को इन वाले को अगर डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो नेक्स्ट टाइम पे ये कैसी रहेगी, इस टाइप की रहेगी। तो सेम थिंग्स यहाँ पे बन रही है, इनकी वॉल्स क्या होगी डिस्ट्रॉयड हो गई और यहाँ पे क्या होगी आपस में जुड़ गई, तो वहां पे क्या बना दी फ्यूअर लार्ज एलुलाई। द सीओपीडी विल लीड्स टू द रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी हॉस्पिटलाइजेशन एंड कैन बी डेथ। इट्स कोज, देखिए यहां पे जो कोज है एक्चुअल के अंदर क्या होगा, स्मोकिंग, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर का मतलब होगा जैसे डस्ट इन कोल माइनिंग, गोल्ड माइनिंग्स, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कैडमियम केमिकल्स एंड आइसोसाइनेट्स। तो ये इसके कुछ कॉजेज हैं, एयर पोल्यूशन हो गया, इनहेल इरिटेंट्स हो गया जैसे कि सडन एयरवे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, अस्थमा जैसे कि ब्रोंकियल, इसमें ब्रोंकिया उसमें क्या होगा ब्रोंकियल हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस हो जाएगा, मतलब रेस्पॉन्सिवनेस हो जाएगा, लेस नहीं नेस हो जाएगा, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस हो जाएगा, जिस कारण वहाँ पे क्या म्यूकस ज्यादा होगा। तो म्यूकस ज्यादा हो जाएगा तो म्यूकस ज्यादा क्या होगा, वो वहां पे अंदर सीओपीडी वाली कंडीशन क्रिएट कर देगा। एंड इट कैन बी जेनेटिक, जेनेटिक में क्या आएगा अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसके कारण भी सीओपीडी क्या हो सकता है, मतलब कोज कर सकता है। इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से होंगे, सिगरेट स्मोक, ऑक्यूपेशनल डस्ट एंड केमिकल्स, ऑक्यूपेशनल की बात की थी ना, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स, एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक्स एंड इंडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूशंस, ये इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। नाउ अभी हम अगर इसकी बात करें किसकी, इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, तो आई थिंक नाउ हम पैथोफिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो देखिए एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा, एबनॉर्मल इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होगा ऑफ द लंग्स ड्यू टू द टॉक्सिक गैसेज। तो यहाँ पे एबनॉर्मल इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होगा टॉक्सिक गैसेस के कारण, वहां पे क्या होगा उसके जवाब में, उसके आंसर में रेस्पॉन्स करेगी कौन सी, एयरवेज, पैरेन्काइमा एंड पल्मोनरी वैस्कुलेचर्स। तो एयरवेज जब वहां पे रेस्पॉन्स करेगी तो एक्चुअल में वहां पे क्या होगा, म्यूकस ग्लैंड हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, गोब्लेट सेल्स हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी इनफ्लेट्रेट हो जाएगा, एक्सेसिव में म्यूकस आ जाएगा और स्क्वैमस मेटाप्लेजिया हो जाएगा। तो ये सारी यहाँ पे कंडीशंस क्रिएट हो जाएगी। और पैरेन्काइमा की पैथोलॉजी में क्या होगा, एम्फाइसेमेटस लंग आर्किटेक्चर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे मिलके क्या करेंगे, वहां पे नैरोविंग ऑफ द एयर वे विच टेक प्लेक्स,
बाई गैस हमारी बॉडी की कंडीशन ही ऐसी कि वो अपने आप को उसी हिसाब से क्या ढालने की कोशिश करती है। तो वहां पे क्या करेगा ये नेरोमिंग ऑफ एयर वे टेक प्लेस, ठीक है, जो जो क्या बोलते हैं उसको एयर वे है वो एक्चुअल के अंदर नेरो हो जाएगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ पैरेन्काइमा लीड्स टू एम्फाइसिमा, भाई अब यहाँ पे अगर गैसेज आ रही है जो टॉक्सिक गैसेज आ रही है वो वहां पे एक्चुअल में क्या करेगी पैरेन्काइमा को डिस्ट्रैक्ट कर देगी, मतलब डिस्ट्रक्शन या फिर डिस्ट्रॉयड कर देगी, जिसके कारण वहां पे एम्फाइसिमा वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो एम्फाइसिमा वाली कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। और डिस्ट्रक्शन ऑफ पैरेन्काइमा लीड्स टू इम्बेलेंस ऑफ प्रोटीनियज एंड एंटी प्रोटीनियज, तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअल के अंदर जो प्रोटीनियज और एंटी प्रोटीनियज जो एंजाइम्स है वहां पे उनका इम्बेलेंस हो जाएगा, जिसके कारण सेल्स को सही वे के अंदर जो वर्क करना चाहिए वो वर्क नहीं कर पाएगी, उनको सही तरीके से जो प्रोटीन्स या फिर जो ट्रांसफॉर्मर्स का जो काम करती हैं सेल्स वो नहीं कर पाएगी। देन आफ्टर दैट इट विल बी पल्मोनरी वेस्कुलर चेंजेस, और वहां पे क्या होगी थिकनिंग्स ऑफ द वेसल्स, बड़ी थिकनिंग हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, एंड कोलेजन डिपॉजिट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिलरी, तो वहां पे कैपिलरी की भी क्या हो जाएगी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी और कोलेगन डिपॉजिट या फिर बोले तो वहां पे थक्का बनना स्टार्ट हो जाएगा। देन इसके बाद में यहाँ पे क्या होगा म्यूकस हाइपरटेंशन स्टार्ट होगा, और जब म्यूकस हाइपरटेंशन स्टार्ट होगा तो वहां पे सीलिया डिस्फंक्शन हो जाएगी, भाई सीलिया को कोई काम ही नहीं रह पाएगा, क्योंकि हमने देखे पढ़ा था ना रेस्पिरेटरी के अंदर 1:10 का इनका रेशियो चलता है सीलिया का और गोबलेट सेल्स का, गोबलेट सेल्स जहां म्यूकस करेगी तो सीलिया उसके अपोजिट के अंदर मतलब क्या करती है वर्क करती है ना, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इक्विमस एपिथेलियल जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। और यहाँ पे क्या होगा एयर फ्लो लिमिटेशन हो जाएगा ताकि वो जो टॉक्सिक पदार्थ अंदर ना पाए, और क्या होगा कार्पनेल हो जाएगा जिसको हम आरबीएफ भी क्या करते हैं बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन क्रिएट होगी वो हो जाएगी क्रोनिक कफ एंड स्पुटम प्रोडक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे क्रोनिक कफ एंड स्पुटम प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। नाउ सी द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ दिस थिंग्स, आई थिंक यू आर इज देखिए क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी एंड इन्फेक्शन हो जाएगा, भाई क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा इन्फेक्शन एंड रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी हो जाएगी। क्रोनिक कफ वहां पे होगा जो कि प्रोमिनेंट होगा, ओके, स्पुटम प्रोडक्शन कॉपियस और प्रूलेंट होगा, और यहाँ पे विजिंग भी आपको उसमें देखने को मिलेगी, विजिंग का मतलब होता है जैसे सीटी जैसी आवाज, जब सांस लेते हैं तो सीटी जैसी आवाज मिलती है ना वैसी, तो चेस्ट टाइटन, अब सीटी जैसी आवाज क्यों मिलती है क्योंकि देखिए सीटी जैसी आवाज केवल तभी आती है जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कुछ फंस गया हो, इट मींस वहां पे म्यूकस भी है और वहां पे एक्चुअल के अंदर जो नैरो हो चुकी है, क्या नैरो हो चुकी है कंप्लीटली बात करते हैं ना कि इसकी क्या नैरो हो चुकी है उस जगह पर जो ब्रोंकियोस थे एयरवे जो पाथ था पूरा नैरो हो चुका है ना, तो इसीलिए वहां पे विजिंग वाली साउंड सुनाई देगी। तो चेस्ट हो जाएगा जो टाइटनेस हो जाएगा, डिस्पनिया, यहाँ पे डिस्पोनिया नहीं है एक्चुअल में डिस्पनिया होता है, ऑन एक्सर्शन माइल्ड डिस्पनिया, मतलब डिस्पनिया का मतलब वो होता है कि डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, तो डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। वेट लॉस होगा, बैरल चेस्ट होगा, बैरल चेस्ट कैसे होगा क्रोनिक जो हाइपर इन्फ्लेटरी होगा, इट विल लीड्स लॉस ऑफ द लंग इलास्टिसिटी, लंग की जो इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, हमने थोड़ी सी देर पहले पढ़ा था ना यहाँ पर, हमने इसे जस्ट थोड़ी सी देर पहले पढ़ा था कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या करता है ये लंग की जो इलास्टिसिटी को है कि वो क्या करता है खत्म करता है। आई डोंट नो कहाँ पे गया हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे और क्या होगा मोर फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे और कोर पल्मोनेल कॉमन यहाँ पे क्या हो जाएगा रिस्क फीचर्स में, क्लिनिक के फीचर्स में भी क्या हो जाएगा काउंट हो जाएगा। नाउ सी द सीओपीडी, सीओपीडी यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड करता है ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसिमा, तो ब्रोंकाइटिस की बात हम नेक्स्ट उसके ऊपर करेंगे, नॉट ए टॉपिक, मतलब इसमें नेक्स्ट कुछ देर बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम ब्रोंकाइटिस की बात करते हैं। तो सी ब्रोंकाइटिस एक्चुअल में क्या होता है ब्रोंकियल ट्यूब विट बिकम इन्फ्लामेटेड, ठीक है, ये टू टाइप्स की होती है ब्रोंकाइटिस एक्यूट एंड क्रोनिक, तो एक्यूट शॉर्ट टर्म के लिए होती है, तो इसमें शॉर्ट टर्म नहीं चलता है इसमें लॉन्ग टर्म चलता है, लॉन्ग टर्म कैसे क्योंकि बहुत स्लो हमने पढ़ा था ना यहाँ पे नॉट कम्प्लीटली रिवर्सिबल यहाँ पे और यूजुअली प्रोग्रेसिव, तो यहाँ पे बहुत स्लो चांस होते हैं, बहुत मतलब बहुत लो चांस होते हैं कि ये ठीक होगा। शॉर्ट टर्म इट विल बी ड्यू टू इन्फेक्शन एंड लंग इरिटेंट्स एंड क्रोनिक ऑन गोइंग, ये चलता रहता है, ये प्रोग्रेसिव है, क्रोनिक विल बी सीरियस कंडीशन एंड द क्रोनिक विल बी डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ कफ एंड स्पुटम प्रोडक्टिव फॉर एटलीस्ट 3 मंथ, हमने पढ़ा था कि क्रोनिक वाला जो कंडीशन होता है वो क्यों क्रिएट होता है, ओके,
नाउ सी इट अकर इफ द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स, अगर यहाँ पे अकर करता है क्या, अगर लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स अकर करता है तो वहां पे क्या होगा, कंस्टेंटली इरिटेटेड एंड इंफ्लामेटेड कंडीशंस क्रिएट होगी, वहां पे कोज करेगा क्या, लॉन्ग टर्म कफ विद द म्यूकस। अब ये इसकी कुछ पैथोफिजियोलॉजी है जो फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर एक्चुअल में अगर इसको भी डिस्कस करेंगे तो आप इसका एक काम करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सेम वही है कि रिटेंट वहाँ पे जाएगा और म्यूकस एक्सेस प्रोडक्शन होगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा और जो गोब्लेट्स और म्यूकस सेल्स है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसके बाद में सीलियरी जो फंक्शन है वो रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि सीलियरी जो फंक्शन है वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे म्यूकस बढ़ जाएगा तो मोर म्यूकस प्रोडक्शन होगा, मोर म्यूकस प्रोडक्शन होगा तो ब्रोंकियल वॉल थिक हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर तो म्यूकस भर गया, ल्यूमेन नेरो हो जाएगी क्योंकि वहां पे ल्यूमेन के अंदर म्यूकस के कारण वहां पे इसमें जगह कम पड़ रही है एयर फ्लो होने के लिए, म्यूकस प्लग इन एयरवे, म्यूकस के प्लग्स बन जाएंगे जो कि क्या करेगा, एलोलाई एडजस्टमेंट करेगा टू द ब्रोंकियोल्स में बिकम डैमेज्ड एंड इट विल बी अल्टर अ फंक्शन ऑफ द एल्वियोलर मैक्रोफेज एंड इट विल बी कॉज इन्फेक्शन एंड नोन एज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो देखिए एक्यूट ब्रोंकाइटिस के यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे तो शोर थ्रोट होगा, फटीग, टायर्डनेस, फीवर, बॉडी एक्ने, बॉडी के ऊपर को आपको कुछ एक्ने भी दिखाई दे सकते हैं, सफी एंड रनी नोज, तो रनी नोज सभी जानते हैं, वोमिटिंग एंड डायरिया होगा, परसिस्टेंस कफ देखने को मिलेगा, मे प्रोड्यूस क्लियर म्यूकस, ध्यान रखिएगा मे प्रोड्यूस क्लियर म्यूकस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, बट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर यहाँ पे कफिंग होगी, मे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस ऑल्सो नोन एज स्मोकर्स कफ, विजिंग एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट, और बाकी के हमने यहाँ पे इसके बारे में क्या है पढ़ लिया है, सब जो भी होगा सेम यही चीज होगी। डायग्नोसिस की अगर बात करेंगे तो हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री की बात होगी, हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे क्या क्या देखा जाएगा, कि उनसे क्या क्या पूछा जाएगा कि भाई कौन सी दवाई ली, कौन सी नहीं ली, किस डॉक्टर के पास गए, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, फैमिली हिस्ट्री उनसे पूछी जाएगी कि आपको ऐसा कोई, जैसे कि यहाँ पे बताया था ना भाई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो जेनेटिक भी हो सकता है, तो वहाँ पे उनकी फैमिली हिस्ट्री भी ली जाएगी, कोई ऐसे एरिया में तो नहीं चले गए जहाँ पर ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन रहता हो या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो वहाँ पे आपको ये वाली हिस्ट्री पूछा जा सकता है। रिसेंटली हैड ए कोल्ड और ए फ्लू, अब ये भी कोई कोल्ड या फिर कोई फ्लू, कोई जुकाम वुकाम तो नहीं हुई है, स्मोकिंग और लिव अराउंड द स्मोकर्स, स्मोकर्स एक्सपोज टू डक्ट्स, फ्यूम्स, वेपोरा एंड एयर पोल्यूशंस, म्यूकस, चेस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस यहाँ पे हो सकता है, मतलब म्यूकस का टेस्ट होगा, टेस्ट के हम डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे टेस्ट किसका होगा, म्यूकस का टेस्ट होगा, और वहाँ पे चेस्ट एक्सरे भी करवाने को बोल सकते हैं, लंग फंक्शन टेस्ट होगा, CBC का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, तो कंप्लीट ब्लड काउंट क्यों, वहाँ पे वो चेक करेगा मैक्रोफेज और जो फेगोसाइटोसिस है या फिर फेगोसाइट्स है और मैक्रोफेज है, इनकी काउंटिंग वहाँ पे WBC की काउंटिंग वहाँ पे देखी जाएगी, क्योंकि अगर इन्फ्लामेशन होगा तो डेफिनेटली उनकी नंबर ऑफ WBC इंक्रीज होगी, क्योंकि वहाँ पे जो मैक्रोफेज और जो फेगोसाइटिस है इन्फ्लामेशन के ऊपर अपना वर्क करेंगे, तो ABG एनालिसिस भी वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स मैनेजमेंट्स, देर आर 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, द फर्स्ट वन इज मेडिकल, द सेकंड वन इज सर्जिकल एंड द थर्ड वन इज नर्सिंग। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे क्या करेगा, इम्प्रूव वेंटिलेशन, और वेंटिलेशन इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या दिया जा सकता है, ब्रोंको डायलेटर्स दिया जा सकता है, B2 एगोनिस्ट, नॉट ए B2 मतलब beta 2 एगोनिस्ट यहाँ पे आपको दिया जा सकता है, जिसके अंदर कौन होता है, एल्ब्यूटेरोल यहाँ पे देखने को मिलेगी, और मिथाइल जेंथाइन्स आपको दिया जा सकता है, जिसको क्या बोलते हैं, थियोफाइलिन और एमाइनोफाइलिन, ये टैबलेट्स के नाम है, ये टैबलेट्स के नाम है, मेडिसिन है, कौन कौन सी मेडिसिन आपको दिया जा सकता है, और एंटीकोलिनर्जिक आपको दिया जा सकता है, जिसके अंदर आइपरट्रोपियम और ब्रोमाइड एटोमेंट आपको देखने को मिलेगी, कोर्टिकोस्टेरॉइड दिया जा सकता है, और ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन भी किसी भी पेशेंट को दिया जा सकता है। अब यहाँ पे और क्या क्या काम होगा, देखिए हम मेडिकल की बात कर रहे हैं, रिमूव ब्रोंकियल सिक्रेशन, ब्रोंकियल सिक्रेशन को आपको रिमूव किया जाएगा, प्रमोट एक्सरसाइज, भाई एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो जितना भी म्यूकस बन रहा है, जितना भी वहाँ पे स्पुटम्स बन रहे हैं, सब बाहर आएंगे और वहाँ पे जो एयरवेज है वो क्लीन होगी, ठीक है। कंट्रोल कॉम्प्लिकेशंस, भाई कोई भी कॉम्प्लिकेशन जैसे कि स्मोकर हो, किसी के भी पास आसपास जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, तो उस सबको कंट्रोल करना पड़ेगा। इम्प्रूव जनरल हेल्थ, उसके लिए जैसे कि विटामिन की दवाई दी जा सकती है, हो सकता है कि फ्रूट्स खाने को बोला जाए, तो जनरल हेल्थ को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, मतलब अपनी जो इम्यूनिटी पावर है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। नाउ द सर्जिकल मैनेजमेंट, द सर्जिकल मैनेजमेंट इज बुलेक्टोमी, तो बुलेक्टोमी यहाँ पे क्या है, बुले, तो बुले यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में इनलार्ज्ड एयर स्पेसेस है
जो कि क्या होगा, नॉट कंट्रीब्यूट टू वेंटिलेशन बट ऑक्यूपाई स्पेस इन द थोरेक्स रिमूव बाय द सर्जरी। यहाँ पे जो बुलेक्टोमी किया जाएगा, ये एक बुले होती है, जैसे कि आपने देख लिया ना कि लार्ज एयर स्पेस होते हैं जिसका मतलब वेंटिलेशन के अंदर कोई भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं है, वो सिर्फ खाली है, वो सिर्फ एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखे हैं, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, यहाँ पे जो लंग का जो वॉल्यूम है डिडक्शन किया जाएगा, रिमूव ए पोर्शन ऑफ डिजीज लंग पेरेन्काइमा, जिस जगह पे डिजीज है, जिस पेरेन्काइमा में डिजीज है उसको वहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा, और अलाउ टू फंक्शनल टिश्यू टू एक्सपेंड, जो ताकि जो फंक्शनल टिश्यू है वो एक्सपेंड हो सके, तो इसके लिए उसको अलाउ किया जाएगा, और यहाँ पे हो सकता है लंग ट्रांसप्लांट भी देखने को मिल सके। नर्स जो नर्सिंग मैनेजमेंट है उसके अंदर असेसमेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोसिंग एंड इंटरवेंटिलेशन या इंटरवेंशन आपको देखने को मिलेगा। नाउ सी दैट ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर सीओपीडी, देखिए यहाँ पे सर्जरी की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो कैसे बढ़ेंगे, सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन एंड स्मोकिंग सजेशन, स्मोकिंग छोड़ दो, सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन स्टार्ट करो, ब्रोंकियो डायलेटर्स लो, अगर उसमें भी फायदा नहीं मिल रहा है या फिर अगर उसको भी सही तरीके से नहीं कवर अप कर पा रहे हो तो इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड दिया जा सकता है, अगर वो भी काम नहीं कर रहा देन पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन आपको रिहैबिलिटेशन आपको देखने को मिलेगा, अगर वो भी अगर सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा तो आपको ऑक्सीजन थेरेपी दी जाएगी, और ऑक्सीजन थेरेपी में भी अगर काम नहीं आया देन द लास्ट ऑप्शन विल बी सर्जरी। सी हमने यहाँ पे ब्रोंकाइटिस कंप्लीट कर लिया, अब हम बात करेंगे एम्फाइसीमा की। तो हमने यहाँ पे आई थिंक एक बात हमने शायद यहाँ पे नोट नहीं की है, ब्लू ब्लोटर। तो ब्लू ब्लोटर एक्चुअल में क्यों होगा, देखिए ब्लू ब्लोटर क्यों हो रहा था, ब्लू ब्लोटर यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन है वो बॉडी तक नहीं पहुंच पा रहा, जो ऑक्सीजन अगर बॉडी तक नहीं पहुंच पा रहा है तो वहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर ब्लड का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू, और ब्लड का कलर ब्लू होते ही वो वहां पे ब्लू ब्लोटर जैसे क्या होगा, सिम्टम्स देना स्टार्ट कर देगा। नाउ सी एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा पिंक पफर, एम्फाइसीमा पिंक पफर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो एम्फाइसीमा है एक्चुअल में वो क्या करेगा, पिंक पिंक सा स्किन का कलर कर देगा, क्योंकि साथ के साथ में चल रहा है तो थोड़ा सा हो सकता है कि इसके अंदर आपको कन्फ्यूजन लगे, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं किसी भी एक पर्सन का कमेंट पिन करके और उसका आंसर देके वहाँ पे रख दूंगा कि इसका पिंक पफर क्यों होता है। एक्चुअल में फिलहाल इसका भी मुझे पैथोलॉजी सिस्टम नहीं समझ में आया, बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। तो एम्फाइसीमा एक्चुअल में क्या होता है, सीवियर डिस्पनिया है, मतलब बहुत डिफिकल्ट होगी ब्रीथिंग के अंदर, कफ आफ्टर डिस्पनिया, स्कंट स्पुटम लेस फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, टर्मिनल रेस्पिरेटरी फेलियर एंड कोर पल्मोनरी रेयर। अब यहाँ पे क्या होगा, एनलार्जमेंट ऑफ एयर स्पेस विच इज इरिवर्सिबल एंड हैपन इन द डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंकियल एंड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर वॉल्स द एलुलाई, एलुलाई के वॉल्स को क्या करेगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा विदाउट एविडेंस ऑफ फाइब्रोसिस। ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बिना किसी फाइब्रोसिस के एविडेंस के अगर वहाँ पे वॉल्स ऑफ एलुलाई अगर डिस्ट्रक्ट हो रही है, मतलब डिस्ट्रॉयड हो रही है, इसका मतलब वहाँ पे एम्फाइसीमा हो सकती है। इसकी पैथोलॉजी की फटाफट हम बात कर लेते हैं क्योंकि वीडियो वाकई में बहुत लंबी जा रही है, तो आई थिंक हो जाना चाहिए। तो देखिए पैथोलॉजी में क्या होगा, एलुलाई क्या होगा, डिस्ट्रॉयड द एलुलर सर्फेस एरिया इन द कॉन्टैक्ट विद द कैपिलरीज डिक्रीज, भाई क्या करेगा, एलुलर जो सरफेस का जो एरिया वो डिस्ट्रॉय कर देगा, तो वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट विद द कैपिलरी है अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, कॉजिंग डेड स्पेस एंड देन आफ्टर दैट ड्यू टू द कॉजिंग डेड स्पेस देर विल बी नो गैस एक्सचेंज विल टेक प्लेस एंड इट विल लीड टू हाइपोक्सिया एंड आफ्टर दैट वेन द इट विल लीड्स टू हाइपोक्सिया इन द लेटर स्टेज द CO2 एलिमिनेशन इज डिस्टर्ब्ड एंड इंक्रीज इन CO2 टेंशन इन द आर्टेरियल ब्लड ओके एंड आफ्टर दैट ड्यू टू दिस कंडीशन देर विल बी डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लोइज एंड इंक्रीज फोर्सिंग द राइट वेंट्रिकल टू मेंटेन हाई ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन CO2 टेंशन इन द आर्टेरियल ब्लड देर विल बी कॉजिंग रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देन एंड आफ्टर दैट एम्फाइसीमा एक्चुअल में ये टू टाइप्स की होती है सेंट्री लोबुलर एंड पान लोबुलर देन सेंट्री लोबुलर इट विल बी द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोस प्रोक्सिमल एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ एकाइनस
विल बी एक्सपेंडेड एंड द डिस्टल एगाइनस एंड एलोलाई अनचेंज रहेगी और कॉमनली अपर लोब्स में होता है। पान लोबुलर की अगर बात करें तो दिस एंटायर रेस्पिरेटरी एगाइनस कंप्लीट रेस्पिरेटरी एगाइनस में होगा। फ्रॉम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स टू एलोलाई इट एक्सपेंडेड मोर कॉमनली इन लोअर लोब, लोअर लोब में ज्यादा कॉमन होता है और स्पेशली बेसल सेगमेंट एंड एंटीरियर मार्जिन ऑफ द लंग्स। ओके, नाउ दे हैव सम डायग्नोसिस फॉर द सीओपीडी। द हिस्ट्री हम बात कर चुके हैं, पीएफटी, तो पीएफटी की यहाँ पे मैं पीएफटी का इसका जो फुल फॉर्म था भूल गया, तो इसको मैं नीचे मैं फिर से मेंशन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। स्पायरोमेट्री टू फाइंड आउट द एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, एबीजी एनालिसिस, सिटी स्कैन और स्क्रीनिंग ऑफ अल्फा एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी बाई जेनेटिक था ना, उसका भी यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और नॉट स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब यहाँ पे डायग्नोसिस होगा। एक्सरे रेडियोग्राफी मे बी डिड मे बी एड इन द डायग्नोसिस। देन नेक्स्ट वन बी मैनेजमेंट, देर विल बी ऑल्सो थ्री मैनेजमेंट हेयर, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज हो रहा है, तो इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज वेंटिलेशन एंड म्यूकस प्लग, इन्फेक्टिव एयर फ्लो क्लियरेंस हो रहा है, तो इनफेक्टिव एयर फ्लो क्लियरेंस है भाई, इन्फेक्टिव कोई काम ही नहीं कर पा रहा, तो एक्सेसिव सिक्रेशन एंड इनफेक्टिव कफ एंड एंजाइटी अगर है तो एंजाइटी क्या हो रही है इसके अंदर, एक्यूट ब्रीथिंग डिफिकल्टीज एंड फियर ऑफ सफरेक्शन। एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो रहा है तो वहां पे एक्चुअल में क्या हो सकता है, वहां पे होगा इनएडिक्वेट ऑक्सीजन एंड डिसपनिया। डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न के अंदर यहाँ पे अगर डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न हो रहा है तो वहाँ पे एक्चुअल में क्या हो सकता है, डिसपनिया हो सकता है एंड एक्सटर्नल स्टेमुलाई भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर फॉर इन्फेक्शन क्या क्या है, इनइफेक्टिव पल्मोनरी क्लियरेंस ही इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन विच इज द लेस देन द बॉडी रिक्वायरमेंट और विच इज हैविंग रिड्यूस एपेटाइट एंड डिक्रीज एनर्जी लेवल एंड डिस्पनिया। हमने देखा था ना कि वहां पे एक्चुअल के अंदर इसके हमने पिछले अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी कि वहां पे एनर्जी लेवल डिक्रीज हो जाती है, इसी के कारण वहां पे क्या होता है, प्रोटीनियस जो एंजाइम्स थे बात की थी ना कि जहां पे प्रोटीनियस एंजाइम्स कम हो रहे थे तो वो क्यों हो रहे थे, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीनियस एंजाइम हो गई थी ना, देखिए यहां पर इम्बेलेंस ऑफ प्रोटीनियस एंड एंटी प्रोटीनियस, तो वहां पे ये क्या लीड्स कर रहे हैं, एनर्जी लेवल डिक्रीज द एनर्जी लेवल एंड डिस्पनिया। देर विल बी कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सीओपीडी, देन सी द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीओपीडी विच इज द रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी, रेस्पिरेटरी फेलियर, न्यूमोनिया, न्यूमोथोरेक्स एंड पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। इसके कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो सकते हैं तो वो यहाँ पे मैंने आपको बताया है। देन सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी, देखिए यहाँ पे सेल्फ मैनेजमेंट में कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को खुद को समझना होगा। टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, आपको अपनी मेडिसिन रेगुलर लेना है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो तुरंत अपने हॉस्पिटल में कॉल करो, एक्सरसाइज रेगुलरली करना है और अगर उस मतलब एस एटलीस्ट 4 out of 7 days मतलब कम से कम 7 दिन में से 4 दिन तो एक्सरसाइज करना ही करना होगा। टेक योर वेंटिलेशन रेगुलरली, स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्शन बाय मेंटेनिंग गुड हाइजीन, अपनी जो गुड हाइजीन है उसको मेंटेन करके रखिए और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पर्सन वहाँ पे जो आपके कॉन्टैक्ट में आना चाह रहा है जो इन्फेक्टेड है तो प्लीज़ उससे दूर रहिएगा, क्योंकि वो ही एकमात्र यहाँ पे क्या है, सेफ्टी का बचाव मतलब सेफ्टी है। स्मोकिंग को क्विट कीजिए, ईट अ रेगुलरली बैलेंस्ड डाइट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ प्लेन फ्रेश वाटर एटलीस्ट 1.5 liter per day, ऐसा मतलब बिल्कुल प्लेन फ्रेश वाटर एटलीस्ट 1.5 liter per day आपको पीना होगा, मतलब पेशेंट को पीना होगा नोट आपको। ड्रिंक कोफिनेटेड ड्रिंक एंड एल्कोहल इन द मॉडरेशन एंड गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप्स, अच्छी से अच्छी आपको नींद लेनी है। तो आई होप आपको यहाँ पे पूरा समझ में आ गया होगा, मैंने यहाँ पे आपको अपना पूरा नोट्स समझा दिए हैं, तो इस तरीके से मैं नोट्स बनाता हूँ और ये था मेरा पूरा नोट्स बनाने का तरीका। तो गाइज यहाँ पे सीओपीडी हमारी खत्म हुई, मैं यहाँ पे किसी भी डिजीज की पैथोलॉजी को मैं इसी तरीके से समझाऊंगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए। सीओपीडी की जो पैथोलॉजी की जो मैंने लिखी है चीज या ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं अपने ऐप के ऊपर मैं इसको क्या करूंगा, लगा दूंगा, हालांकि जो पूरा ऐप है वो इंटरनेट के थ्रू चलने वाला है, तो प्लीज मतलब इस उस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में कुछ न्यू एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।